स्वाति मालीवाल पुलिस वाली है, स्वाति मालीवाल मैडम जब यहाँ पे आई थी और जब उन्होंने जब उनके काम करने का ढंग मैंने देखा था, मैं इनके साथ था, रात के 12 बज गए, रात के 1 बज गए और चेहरे पे सिकन नहीं। मैंने कहा मैडम पानी पी लो प्लीज, बोली नहीं पानी नहीं पीऊंगी, पहले काम करूंगी। आप इन लोगों को बाद में बात कर लो। एक इंसान जो पुलिस वालों के लिए भी प्रेरणा स्वरूप है, आप लोग इनको कोई भी कंप्लेंट देंगे अगर हमारे बस में होगा हम उस कंप्लेंट का निवारण करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, पुलिस का काम किया है इन्होंने, और इनके आने से उत्तम नगर में जब भी इन्होंने कदम रखा है कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कंप्लेंट क्यों करें, कंप्लेंट आप करेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। जो गोली चलने वाली बात कही है, जिस तरीके से बताते हैं गोलियां चल रही हैं, तो इस तरह की बात नहीं है। गोली चलने की एक बात हुई थी जेड ब्लॉक में, मैं आई वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर टू दैट कॉल, मैं आया था, सबको पता होगा जो भी है यहाँ पे, देखिए मेरे चेहरे की तरफ, मैं एक बहादुर पुलिस वाला हूँ, सामना करता हूँ हर चीज का, सामने चक्कर लेता हूँ। मैंने देखा यहाँ कोई नहीं था, सब भाग गए थे, एक शादी में आए थे लोग, हमारा घर थे, मेरे घर से भाग गए, होली चौक के पार्क में कुछ लोग शराब या कुछ इस तरह की बातें करते थे, मैं उस पार्क में गया, मैंने इन महिलाओं को जो यहाँ मेरे को पहचान रही होंगी उनको बुलाया, मैंने कहा यहाँ नहीं चलेगा ये काम, इस काम को यहाँ बंद करना होगा। और जो नए सीचो साहब आए हैं उन्होंने आते के साथ ड्रग्स का एक पर्चा दिया है, बंद किया है हमने ड्रग्स बेचने वाले को, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जो महिलाएं कह रही थी कि स्कूल के बाहर कोई नहीं खड़ा होता, मैं खुद जाकर के स्कूलों में एक अभियान चलाता हूं, उसका नाम है बी द पुलिस। ठीक है, मैं स्वाति मालीवाल मैडम से हाईली इंस्पायर्ड हूं, बहादुर और निडर महिला है, जो ये कहती है उसको हम पुलिस में इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, जहां भी पता चलेगा शराब बंद करेंगे, बदमाशी बंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।